देखिए, अभी हमने पूरा सिचुएशन तो मॉनिटर कर ही रहे थे, ना केवल यहाँ लेवल पे बल्कि ऊपर लेवल पे डायरेक्ट, इवन माननीय CA साहब और माननीय LG साहब भी इनको प्रॉपरली इसको मॉनिटर कर रहे थे। आपने देखा होगा, इंटरेक्शन देखा होगा कि हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो है वो फील्ड में थे, इंक्लूडिंग चीफ इंजीनियर साहब, R&B हो या इलेक्ट्रिसिटी के सभी लोग, इंक्लूडिंग DCs ऑल्सो और ऑन द फील्ड। जैसा आपको पता है कि हमारा जो पोरू नाला है उसमें ज़्यादा नॉर्थ कश्मीर में बारिश होने की वजह से, और लगातार, और स्पेशली जो कल रात को जो लगातार जो बारिश हुई है उसकी वजह से, उसमें 92 के बाद ऐसा देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा उसमें वाटर लेवल बढ़ गया है। इसके अलावा उस एरिया को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा सिचुएशन आपने देखा ही है कि वाटर लेवल इतना नहीं बढ़ा है, और अभी इवन अलर्ट लेवल पर हमारे राम मुंसिब आ गया, वो भी नहीं पहुँचे हैं। अभी थोड़ा वैश्व नाला जो है हमारा डेंजर लेवल पे, हल्का सा वार्निंग लेवल पे टच कर रहा है। तो एक तो आप लोगों के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है, उस तरफ थोड़ा सा लोगों को बोलें कि वहाँ थोड़ा ना जाए। IMD का जैसे आप लोगों ने भी कवर किया है, उनसे हम कांस्टेंट जो अपडेट देते रहते हैं, तो हमें बताया गया है कि आज मिडनाइट तक बारिश होने का जो है इम्कान है, उसके बाद स्लोली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर कल दोपहर के बाद हो सकता है थोड़ी होगी, लेकिन इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। इंटेंसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, साउथ कश्मीर में भी जो पहले इंटेंसिटी थी वो बारिश के भी कम हो गई है। तो वाटर लेवल जो है अभी हल्का हल्का बढ़ेगा, बिकॉज वहाँ से पानी आके यहाँ पे आने में थोड़ा समय लगेगा। तो मिड नाइट पे हो सकता है हमारे अलर्ट लेवल या उस पे जाए। हम कॉन्स्टेंटली इसको देख रहे हैं, पर कोई घबराने की बात नहीं है, स्टिल वी हैव इनफ बफर अवेलेबल विद अस। जो हमें समस्या कुपवाड़ा में और बारामूला उड़ी साइड में जो हमें आई है, उस पे अभी आप देख रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश उस जगह हो रही है। तो जैसे ही बारिश रुकती है, हमने ट्राई भी किया बीच बीच में रोड को खोलने के लिए, NH 701 जो आपको बाबा ऋषि से जो बारामूला जाता है, वो भी कई जगह लैंडस्लाइड आई, तो हमने ट्राई किया उसको खोला, तो बाद में फिर से उस पर आ गई है। और हमारा सोपोर से लेके जो कुपवाड़ा वाला जो हमारा मेन कनेक्शन है, वो इस वाटर फ्लो ओवरफ्लो की वजह से थोड़ा भी कट गया है, तो उसका भी कनेक्शन हम रिस्टोर कर देंगे जैसे वहाँ पे अभी हो गया। और राउंड द क्लॉक आज की रात जो है सभी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो है इसमें ऑन फील्ड रहेंगे, जिससे भी कोई भी एमरजेंसी एक्सीजेंसी होगी उसको देखा जाएगा। ये भी हमने डिसाइड किया कि आफ्टर फील्ड असेसमेंट कि क्या हमें स्कूलों को बंद रखना चाहिए, तो ये निकल के आया कि एज प्रिकॉशनरी मेजर ये अच्छा डिसीजन रहेगा, बिकॉज अभी ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है कि अर्जेंसी भी नहीं है, तो कंसिडरिंग द सिचुएशन एज प्रिकॉशनरी मेजर, हालांकि ऐसी डेंजर या घबराने की बात नहीं थी, बट प्रिकॉशनरी मेजर में कल जो है स्कूल्स जो है हमने बंद रखने का फैसला लिया है, हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है। तो ये अभी सिचुएशन है, तो अभी घबराने की बात नहीं है, आराम से रहे, इत्मीनान से रहे। अभी बिजली की भी स्थिति पहले से इम्प्रूव हो गई है, तो ठीक रहें। जब ज़रूरत हो तो ऑफकोर्स बिल्कुल घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बेवजह अभी थोड़ा सा स्पेशली वाटर बॉडीज़ के पास जाने से रुकना चाहिए। जैसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पहले बोट वाला हो गया था, हम नहीं चाहते आपके माध्यम से कि ऐसा हमें कभी सिचुएशन मिले। मैं फिर से अश्योर करता हूँ, माई फील्ड इंक्लूडिंग अप टू चीफ इंजीनियर लेवल, एवरीबडी इज ऑन द फील्ड, इंक्लूड द सीनियर ऑफिसर्स, चाहे फ्लड इरीगेशन के हमारे ACS साहब हो, वो सब इसको जो है मॉनिटर कर रहे हैं, एंड वी आर इन कॉन्स्टेंटली टच विद इट, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी सिचुएशन।